मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए, अरे यहां जाने को, इलेक्शन की प्रचार करने को आपको वक्त मिलता है। मणिपुर में इतना सत्यानाश हो रहा है, आप जा नहीं सकते वहां। मणिपुर हिंसा पर बात करते हुए बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल किए और उनके मणिपुर से दूरी बनाने पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर हमला बोलने के दौरान खड़गे मणिपुर की यथास्थिति बताते हुए भावुक भी हो गए और उन्होंने दावा किया कि राज चल रहा है, वहां महिलाओं के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं, मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, बीजेपी जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करती है। 300 के नजदीक लोग मारे गए, 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 6000 से ज्यादा घर जल गए, जलाए गए, मोटर गाड़ी स्कूटर एवरी, उसका भी पता नहीं, वहां पर उसके बारे में भी नहीं बोले, मुंह नहीं खोले। मुंह जब खोले लाल किले पे खोले, वो भी 2 मिनट के लिए मणिपुर के बारे में। ऐसे लोग हैं तो वो देश की हिफाजत कैसा कर सकते हैं? वहां पर महिलाओं को रेप किया जा रहा है, महिलाओं को साड़ी खींच के फिरा रहे और महिलाओं को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके पति मर रहे हैं, उनके अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी मर रही है, ये लोग सब मर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में बैठ के यहां से इलेक्शन का प्रचार करते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गया और राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए, अरे यहां जाने को, इलेक्शन की प्रचार करने को आपको वक्त मिलता है। मणिपुर में इतना सत्यानाश हो रहा है, आप जा नहीं सकते वहां, समाधान नहीं कर सकते? नहीं, उनको समाधान करना नहीं, ये जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।